नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज लखनऊ के नामांकन पूरे हो गए। नामांकन का अंतिम दिन और अंतिम पल सस्पेंस समेटे रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जहां प्रत्याशी ऐन मौके पर बदले, वहीं अपर्णा यादव, सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी, मंत्री स्वाति सिंह को लेकर अटकलों का बाजार बहुत गर्म रहा। आइए अब देखते हैं कि आखिर चुनावी मैदान में आमने सामने कौन कौन बचा है। कलेक्ट्रेट परिसर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की नामांकन प्रक्रिया 3 बजे तक जारी रही। जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने बताया कि 9 विधानसभाओं से आज कुल 67 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इसमें प्रमुख लोगों की हम बात कर लेते हैं। विधानसभा 168 मलियाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार, बीजेपी की प्रत्याशी सांसद कौशल किशोर, मंत्री कौशल किशोर की पत्नी जयदेवी गौतम, कांग्रेस प्रत्याशी इंदल कुमार अब चुनावी मैदान में है। विधानसभा 169 यानी बीकेटी से बीजेपी के प्रत्याशी योगेश शुक्ला, आम आदमी के प्रत्याशी सत्यप्रकाश पांडे ने आज नामांकन दाखिल किया। विधानसभा 170 सरोजनी नगर से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व ईडी के अधिकारी राजेश्वर सिंह ने पर्चा दाखिल किया। वहीं समाजवादी पार्टी से मंत्री रहे ने शारदा प्रताप शुक्ला ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया। विधानसभा 171 लखनऊ पश्चिम से बीजेपी के प्रत्याशी अंजनी कुमार श्रीवास्तव और AIMI यानी ओवैसी की पार्टी से शायर मुनव्वर राणा की दूसरी बेटी उजमा प्रवीण ने नामांकन दाखिल किया। विधानसभा 172 लखनऊ उत्तर से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज बोरा, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूजा शुक्ला ने नामांकन किया। वहीं विधानसभा 175 लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राजू गांधी अब मैदान में हैं। अटकलें लगाई जा रही थी ऐन मौके पर कि शायद यहां से रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक को टिकट मिल जाए, लेकिन जैसे ही 3 बजे वैसे ही तस्वीर साफ। वहीं मोहनलालगंज 176 विधानसभा की बात करें जो अनुसूचित जाति से आती है, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदला और अब सुशीला सरोज समाजवादी पार्टी से हैं। और वहीं जो मौजूदा विधायक हैं अमरीश सिंह पुष्कर, उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस ने ममता चौधरी को मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री कौशल किशोर के साले अमरेश कुमार को टिकट दिया है। तो दोस्तों, अब ये पूरी तरीके से पिक्चर साफ हो गई है कि कौन कहां से बचा है और अब नाम वापसी लेने में 2-3 दिन का समय है और 23 फरवरी को मतदान है। अब आगे की अपडेट्स लगातार देखते रहिएगा।